अपने भैन भ्रा नमी शैब खाना जी इन कहते तिल तो माशाल्लाह देखो तिल ही तिल लगे पे पूरे मेरे ख्याल 10 किले तिल आते हैं जी। हाँ जी सिर वेखो जोड़े माशाल्लाह कैसे इन्होंने जोड़े वेख माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती ने जोड़े और बड़ी मेहनत की है। तिल महंगे भी बहुत आ ते रात नूं हाँ जी वह मंजे भी डठे पे बेच क्योंकि रात नूं लोग झाड़ के लै जांदे ते फिर इन्हां दी मजबूरी आ कि राखी करनी ये पानी दी कस्सी जा रही है माशाल्लाह जी कमाल नूं लग रहा ते असीं आए सी नदीम अली दे नानकियां दे तो उत्थों वापसी मैं सुनिया चलो देखते वे सोहनी शाय लगी है मैं कहा अपने भैन भरा बार शेयर करांगे दिखावांगे कि तिल माशाल्लाह देखो कैसे खूबसूरत और कैसे लगाए आ बंदियां ने अल्लाह पाक फल लावे उन्हां दीआं मेहनतां नूं ते नहीं फजले खुदा हूँ सोचा कि अपने वापस चलीए गाँव में हाँ जी जी ये माल हैगा पानी का नहर के निकल दिया नहा के एक नहा निकल अल्लाह नसीब करे जिन्ना का रिजक हैगा अल्लाह रंग लावे अल्लाह भाग लावे उन्होंने नीचता तो सामभण वाले दिन जिन्होंने सामभिया जी माल हाँ जी मेहनत मेहनत बिल्कुल जी मेहनत करते तो फिर बिल्कुल अल्लाह पाक तंदुरुस्त दे इधर माशाल्लाह बाजरा भी बहुत खूबसूरत बाजरा कटिया जी ना सू अपना बनाया आमीन जी आमीन बिल्कुल इस तरह ही ये कोई शक भी नहीं बेशक टाली सुक वैसी पता नहीं जिंदगी का केड़े मोड़ ते मुक वैसी जो टाली सुक गई ते बस सुक गई ते जिंदगी मुक गई ते बस मुक गई पता नहीं मुकन दा ता अल्लाह पाक खैर करे मैं इस तरह कह रही हूं कल देखिए माशाल्लाह किडियां प्यारियां ये खूबसूरत टालियां हां जी चार पाइयां वास्ते कन्ने आपां वंडन नहीं माशाल्लाह जी नहर देख सकदे मेरे भैणो जी बहुत वड्डी नहर आ पानी दा खड़ाक भी सुन सकदे बहुत ज्यादा आ रिहा देख सकदे आ बहुता बेच ना बड़े डूंगी नहर थले डूंगी आ कि वेची चल जी ये आ गई नहर दासू माशाल्लाह जी बैसा नहादियां पईआं ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह विचे कटियां मटियां माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह जिंदगी करे इन्हां दी नहाउण वालिआं दी भी ते इन्हां नूं चराउण वालिआं दी भी माशाल्लाह बस 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 निकलना नहीं बाहर नहीं निकलना विचे ही नहाओ ठंडा पानी है नहाओ विचे बैग देख सकते मेरे बहन भाई कि पानी चल गया साफ तो फिर आना ही आना ना पानी जाता पे धड़ा धड़ वगदी नदी का पानी जाके मुन्ना आवे जिमें जाके जवानी जिद चले जाता लंघ जाता जिधर नूं कदों मुड़ के आता वापस देखो ना किस तरह पानी जा रहा डर लग रहा है एवं जो जमीन भी घूम रही है थोड़ा पिछे हो गए खड़ोवो बहुत अगे हो खड़े अल्लाह पाक खैर करे ते पुल भी सारा टुटिया पिया इत्थे हां जी कोई गल नहीं कोई गल नहीं बाकी जिंदगी दीआं गल्लां सारीआं ये जिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे के हज़ारों गम लगे हैं मेरी ज़िंदगी के पीछे वो अमीर हैं तो होंगे मैं गरीब हूँ तो क्या है वो अमीर हैं तो होंगे मैं गरीब हूँ तो क्या है वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे ये जिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे के हज़ारों गम लगे हैं मेरी ज़िंदगी के पीछे जी कोई गल नहीं वादे काटे जिंदगी दे नाल आ छोड़ गया तो वो जाने साड़ी जिवें निभी निभावांगे बस कोई गल नहीं अल्लाह वारस हाँ जी अल्लाह खैर करे
सियाने की कहावत आ कि जिद ना तुरो दिलो साफ हो के तुरो इन साफ करके तुरो थोड़े मन में अगर साफ नहीं तो तुम बस फेल हाँ। अगर दिल साफ तो हर शे साफ, मंजिल आसान। अगर थोड़ा दिल साफ नहीं तो मंजिल आसान नहीं, वो कित ना कि ठोकर लगेगी तो इंशाल्लाह। तो ये सानू सोचना चाहिए सानू हर मुसलमान नू सोचना चाहिए कि जिमें पानी साफ आ दिल उवें साफ कर लेना चाहिए, जिमें पानी साफ आ उवें दिल साफ करना चाहिए सानू हर मुसलमान वास्ते, हर भैन भरा वास्ते, हर रिश्तेदार वास्ते, हर दोस्त वास्ते। अपना दिल साफ आते मंजिल आसान आ, तो किसी के बारे गलत नहीं सोचना चाहिए, बुरा किसी नहीं कहना चाहिए, बंदे अपने आप गिरेवन झाती पा के वेख लेना चाहिए बस। आप बहुत गल् कोई नहीं आदि, तो जड़िया आदि वो कहें सच कहो झूठ ना कहो, किसी का हक आया ना खाओ, जिहदा आया उन्हें दिओ, किसी के हक से कोशिश ना करो, जिहदा हक आ दिओ। अल्लाह वो नसीब करे, वो बच्चे नसीब करे, हो सकता वो सदके सानू रब होर दे दे, उदू ज़्यादा दे दे, उदू दुगना दे दे। मेहरबानी उन्होंने भैन भरावान की, शुक्रिया उन्होंने भैन भरावान का जो सू बाहर प्रदेशों बैठे याद रखते हैं। तो असी तो इन्नी योगे नहीं, साड़ी इन्नी औकात ही नहीं जिथे तक असं पहुँच चुके हैं, जिस मंजिल से पहुँच चुके हैं शुक्र तो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक की जात का। तो शुक्रिया उन्होंने भैन भरावान का जेडे इन्नी प्यार चाहत प्यार देंदे सानू, तमाम यूट्यूब फैमिली देखने वाले अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सेहत देवे, उन्होंने बच्चों फरमादार बनावे अपने माँ प्यो का, तो हमेशा ही बनाई रखे। तो अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई तो भाई हाथ चुड़ के माफ़ी, अगर कोई गलती बच्चे बंद को हो भी जाती है इंसान आ गलती का पुतला इंसान भूल जाता, मगर गलती कर लगे सोच लेना चाहिए। अल्लाह खैर करे। तो नदीम अली दे अबू नूं लग गई है प्यास, तो कहिंदे प्यास लगी है पानी पी लिए, माशाला उस दस उते आ के पानी हुण नहर ते पीण लग गए, आंदे हुण पानी पी लिए, इत्थे नलके लगाए हुए आ, मेहरबानी उन्हां भैणां भरावां दी। हाँ जी, आंदे जांदे मसाफर पानी पीते दुआ कबूल करे साडी उन्हां भैणां भरावां वास्ते। ते देख सकदे मेरे भैण भरा इधर नहर दा पानी भी पुल दे थल्लो जिथों गुजर रहा वा, माशाल्लाह किन्नी स्पीड दे नाल वेचले सन भी इहदे पुल दे कंध कीती होई है ना, देखो दो इत्थों दो कंधां हो जांदियां। हां जी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह तंदरुस्ती देवे, नाल नाल हरियाली पौधे माशाल्लाह लगे हुए आ नाल ही, अल्लाह मियां तंदरुस्ती देवे, अल्लाह खैर करे। असीं सोचिया अपने भैण भरावां नूं जरूर शेयर करांगे इंशाल्लाह। चलो असीं अज बाहर निकले हुए हैं तो अज अल्लाह खैर करे बस असीं अपने भैण भरावां नूं बाहर दी वीडियो भी शेयर करांगे इंशाल्लाह। अज पानी दी दिखाइए इस तरह के पानी आ, ये अगों कई खालियां च कई शाखा निकलदियां, अगे जाके वखरियां वखरियां लैकने इत्थे वड्डणे आ। खराब होया पे इस करके गड्डी गड्डी आ भी जा रही, माशाल्लाह चंगी सामी सोनी किसे वड्डी गड्डी दे विच किसे दे माशाल्लाह चंगे सोहने खरीदे जानवर, अल्लाह नसीब करे जिथे जान अल्लाह खैरी खैरी लै जावे, अल्लाह पाक खैरी सलामती, अल्लाह पाक करे खैर ते अल्लाह देवे तंदरुस्ती। असीं अज गए होए सी नदीम अली दे मामू जी दे घर, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗਿਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੱਖੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ, ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਖੀ ਆਪ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਤੇਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਦੁਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ
ਤੇ ਔਰ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਬਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ।